मैम, मेरे आईब्रोज पहले अच्छे थे और अब झड़ने लगे हैं। मेरे आईब्रोज व्हाइट आ रहे हैं। मेरे आईलैशेस बहुत ज़्यादा कम दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के पास हैं। हमारे पास तो हमेशा ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनके पास ढेरों सवाल होते हैं, तो इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर के मैं आई हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ ऋचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्पन्स ब्यूटी जोन में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आईब्रोज के लेंथ को कैसे बढ़ाएं, आईब्रोज को उसको घना कैसे करें। आईलैशेस भी काफ़ी कम है जिनके, तो वो लोग अपने आईलैशेस को कैसे ग्रोथ दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स भी हम आपको बताएंगे और आपको हम एक पूरी डेमो करके दिखाएंगे कि कैसे आईब्रोज का हम मसाज करेंगे, कैसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं डेमो। तो गाइस, ये है लोटस प्रोफेशनल का हाइड्रा वाइटल क्लिंजर जो कि डीप क्लिंजिंग का काम करता है। आप इसकी जगह पे किसी भी क्लिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे ये बेस्ट लगता है, इस वजह से मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और ये है गाइस ईयरबड। बेसिकली ईयरबड का इस्तेमाल तो हम कानों की सफाई के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस ईयरबड से ऑयल को अप्लाई करने वाली हूँ। यह है कोकोनट ऑयल। इसमें एंटी एजिंग एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और ये बालों को बहुत अच्छे से बूस्ट करते हैं। ये है एलोवेरा जेल। ये बालों के ग्रोथ को इम्प्रूव करता है और हेल्थी भी बनाता है। आप अपने घर में लगे हुए प्लांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो फिर आप जो मार्केट में मिलता है उसका यूज करें। और ये है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में फैटी एसिड होता है और ये आईब्रोज के हेयर फॉल को बहुत हद तक से कंट्रोल कर देता है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बादाम का रोगन सेरिन। जी हाँ, इसे बादाम का रोगन सेरिन ऑयल कहते हैं, बादाम का तेल भी कहते हैं। ये आईब्रोज के हेयर को न्यूट्रिशन देता है और हेयर को बूस्ट करता है। और यहाँ पर मैंने ये छोटे छोटे कुछ कॉटन्स काट करके रखे हुए हैं। मेडिकल शॉप पे ये आपको इजीली मिल जाएंगे। मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है क्योंकि मैं बार बार काटने से बचना चाहती हूँ। और यदि आप उस तरीके के कॉटन्स नहीं रख सकते तो फिर आप रेडीमेड जो कॉटन बॉल्स आते हैं पॉकेट में, उसका आप इस्तेमाल करें। बहुत सस्ते हैं, 60 रुपये में पूरा एक पॉकेट आ जाता है। अब ये लिया है मैंने मस्कारा ब्रश। मेरे पास ये पुरानी सी मस्कारा ब्रश थी जो सूखी हुई थी, तो मैंने उसे ही क्लीन कर लिया है। तो आप भी उसको, मस्कारा ब्रश को बहुत अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि इससे आप मसाज भी करने वाले हैं। अब मैं प्रोसेस को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप एक कॉटन लेंगे, उस कॉटन को आप भिगो लें। वेट करने के बाद में आप उससे अपने आईब्रोज को अच्छे से क्लीन करें। गाइस, मैं बता दूं कि मुझे अपने पूरे फेस को ही को धो करके ही फेस वॉश करने के बाद ही अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन मैं अभी सैलून में हूँ और मुझे कुछ काम था, तो इस वजह से बस मैंने ये वीडियो शूट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए ही बस ऐसे आईब्रोज पे अप्लाई किया है। मैंने फेस पे कुछ मेकअप भी कर रखा था तो मैं उसे हटाने नहीं चाहती थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता। यदि क्लाइंट्स आते हैं तो फिर ऐसे में थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगता, तो मैंने बस सूट करने के लिए ये प्रोसेस किया हुआ है। तो अब मैं क्लिंजर लूँगी। क्लिंजर को ईयरबड पे लगाने के बाद में कुछ इस तरीके से अप्लाई करना है और धीरे 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 आईब्रोज पे उसे फैलाते हुए क्लीन करना है। ध्यान रहे कि जोर नहीं लगाना, बस हल्के हाथों से आईब्रोज पे उसे लगा करके और क्लीन करें। बिल्कुल इस तरीके से। गाइस, क्या है ना कि बहुत सारे शेप्स होते हैं आईब्रोज के। किसी के थिकर होते हैं, थिनर होते हैं, कर्व्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स होते हैं। लेकिन ये कब होते हैं? जब आपके आईब्रोज होते हैं। और जिनके आईब्रोज नहीं होते हैं, या तो उन्हें पेंसिल के ऊपर डिपेंड होना होता है या फिर जो पैलेट आते हैं आईब्रोज के उसके ऊपर डिपेंड होना होता है। और जिनके आईलैशेस नहीं होते वो फाल्स आईलैशेस लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप थोड़ी सी ये मेहनत करें तो ये बहुत अच्छा होता है, कारगर साबित होता है ये। तो अब मैंने क्लिंजर को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है फेस से।
आईब्रोज को मस्कारा से इस तरीके से क्लीन करना है। अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ बादाम का तेल। बादाम का तेल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि गाइस ये एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल की अपेक्षा ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है। और डिफरेंट बस इतना है कि ये आपको रिज़ल्ट थोड़ा सा जल्दी देता है, रिजल्ट वो भी देते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये बादाम का तेल जो है वो थोड़ा सा जल्दी आपको रिज़ल्ट देगा। तो इसलिए मैंने अपने लिए बादाम का तेल ही चूज किया है। और आप देख सकते हैं कि मेरे आईब्रोज भी काफ़ी थिन हैं और कलर भी बहुत ज़्यादा ब्राउनिश है, डार्क कलर नहीं है मेरे आईब्रोज के। तो इस हिसाब से अगर मैं बादाम का तेल लगाती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी चाहिए, लेंथ भी अच्छी चाहिए। तो आप इस तरीके से अपने आईलैशेस पे भी ऑयल को अप्लाई करें। गाइस मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अपने फिंगर से ही करते हैं लेकिन ये गलत है, फिंगर से दबाव पड़ता है और ये जो कॉटन लगे हुए ईयरबड्स होते हैं ना, तो इसे हल्के हाथों से आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते हुए जब मसाज करते हैं तो ये बिल्कुल हेयर फॉलिकल्स पे काम करते हैं। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको मूव करते रहना है, कम से कम आपको ये चीज़ 7 से 8 मिनट तक लगातार करना है, 7 to 8 मिनट कंटिन्यू। जिस तरीके से आप मस्कारा लगाते हैं उस तरीके से ऊपर के आईलैशेस पे ऑयल का अप्लाई करें। और ये बादाम का तेल जो है ना वो किसी भी तरह का इचिंग वगैरह नहीं करता, तो आपको इरिटेशन भी नहीं होगा, बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मस्कारा ब्रश का यूज़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे आईब्रोज और आईलेसेस पे कॉम्ब करने से हेयर फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो इस प्रोसेस के बाद जब आप आईब्रोज पे ऑयलिंग करते हैं ना तो वो बेस्ट होता है। और गाइस मैं यहाँ पे अब ऑयल को हटा दे रही हूँ, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से उसे साफ़ करना है। आप चाहे तो रात भर छोड़ने के बाद में सुबह में उसको फेस वॉश करके हटा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बाहर जाना चाहते हैं कहीं पे जल्दी से निकलना है तो बस सूखे हुए कॉटन से लेकर के धीरे धीरे करके उसे रिमूव कर लें, पूरी तरह से हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस ख़त्म हुआ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।